फिर से ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज ये जो वीडियोस है हमारे बीबोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। जैसा कि गाइज आपको पता होगा बीबोस का जो है टेंथ क्लास का दिसंबर सेशन का जो है रिजल्ट जो है गाइज काफ़ी जल्द जो है आने वाला है। रिजल्ट की जो सारी तैयारी हो चुकी है, रिजल्ट आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। बीबोस का रिजल्ट इस बार जो है बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्ज़ाम करवाया, तो बिहार बोर्ड जारी करने वाला है। देख सकते हैं गाइज ये हमारा बिहार बोर्ड का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड का जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। बिहार बोर्ड जितने भी रिजल्ट जो है डाउनलोड करती है इसी वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। ये आपका वेबसाइट है, इसी पर आपका रिजल्ट जो है डाउनलोड होगा। जैसे कि गाइज देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिहार बोर्ड जो है अपने सारे रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी करती है। देखो यहाँ पर तो यहीं पे आपका रिजल्ट जो है जारी होने वाला है। कब जारी होने वाला है तो ये सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियोज़ में। काफ़ी जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहे हैं। जो जितने भी स्टूडेंट है रिजल्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट डाउनलोड करके बताऊँगा। रिजल्ट आने वाला है काफ़ी जल्द, तो बन रहे हमारे चैनल पर, मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी दिसंबर सेशन 2022 के 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो उनका भाई डम्मी एडमिट कार्ड के बारे में मेरे को पता चल गया। डम्मी एडमिट कार्ड आपका जो है काफ़ी जल्द जो है जारी किया जाएगा, ठीक है। डम्मी एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किया गया, वैसे ही एक तरीके से एडमिट कार्ड जो है जारी किया गया है डेमो के तौर पे, लेकिन अभी जो है डम्मी एडमिट कार्ड जो है 2 से 4 दिन में जो है 12th क्लास के स्टूडेंट का जो है डम्मी एडमिट कार्ड आना है। और आज से जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भी जो है मतलब जून जुलाई सेशन 2023 के स्टूडेंट का भराना स्टार्ट होगा। तो काफ़ी कुछ जो है इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेगा। चलेगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहूँगा जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो ये देख सकते हो वेबसाइट है और रिजल्ट आपको यहीं पर जारी किया जाएगा। देख सकते हो ये हमारा प्रीवियस कुछ रिजल्ट है, देख सकते हो। और देखो यही देखो हमारा एनुअल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2023, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा बिहार बोर्ड यहीं पे जारी करता है, ठीक है। तो आपका भी रिजल्ट जो है यहीं पे शो करेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा बीबोस 10th दिसंबर सेशन 2022 रिजल्ट, यहाँ पे उसके बाद क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट जो है डाउनलोड होगा, ठीक है। सारे रिजल्ट यहीं से डाउनलोड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे कैसे कहाँ से रिजल्ट डाउनलोड करना है, तो यहीं से आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा आपका जो रिजल्ट है, मेरी बातों को गौर से सुने, आपका रिजल्ट जो है तैयार कर लिया गया और रिजल्ट काफ़ी जल्द जो है डिक्लेयर। अभी जैसा कि आपको पता होगा बिहार ओपन बोर्ड बीबोस का जो है चेयरमैन जो है चेंज हुए, मिस्टर आनंद किशोर सर जो है नए जो है बीबोस के चेयरमैन बने हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, आनंद किशोर सर जो है बहुत कुछ मतलब बिहार बोर्ड का जो है भाई काया पलट कर दिया, उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया। ऐसे ही बीबोस में होने वाला है रिजल्ट, वो आप लोगों का ही जारी जो है बहुत ही जल्द करने वाले, ठीक है। सारी तैयारी हो चुकी है, मैं आपको बता देने वाला हूँ। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर आप बोल रहे हैं जारी किया जाएगा, आखिर रिजल्ट आएगा कब? तो जैसे ही गैस मैं बीबोस के ऑफिस गया था तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है जिस तरह की, तो मैं बता देना चाहूँगा, शेयर कर रहा हूँ मैं। तो देखो गैस आज तो हमारा फ्राइडे है, ठीक है, कल हमारा सैटरडे है, फिर हमारा संडे हो गया, ठीक है। तो सैटरडे संडे को ऑफिस बंद रहता है, तो ऐसे मैं बता देने वाला हूँ आपका रिजल्ट जो है गाइस सारी तैयारी हो चुकी है। रिजल्ट आपको जो है थर्सडे से पहले जारी किया जाएगा, मंडे टू थर्सडे, ठीक है, मतलब सोमवार से लेकर के गुरुवार तक, बृहस्पतिवार के बीच में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी बीच में बोला गया है कि रिजल्ट देखो फाइनल तुमको डेट थोड़ी बता दिया जाएगा, इस बिहार बोर्ड थोड़ी है भाई मेरे जो पहले से तैयार रहता है कि आपका रिजल्ट इस दिन ले, इनका देखो अभी टाइम लगेगा, फाइनल डेट अभी ये लोग नहीं शेयर कर रहे, लेकिन इन्होंने बताया है कि आपका रिजल्ट जो है मंडे से लेकर के वो थर्सडे के बीच में आएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो आप इंतज़ार करें और रिजल्ट आपका जो है यहीं से डिक्लेयर होगा, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने बोला था 10 तारीख, यार तो फाइनल डेट थोड़ी होता है, एक दो दिन घसक जाता है तो उसमें क्या करोगे, अभी 2 दिन छुट्टी पड़ रहा है, अभी तुम्हारा जन्माष्टमी था तो पूजा वूजा था, फेस्टिवल था, तो इसमें भी बिजी थे, तो इसको तुम लोग तो माइंड करते नहीं हो, ये सब चीज़ें तो ऐड होती ना। अब कर्मचारी सब छुट्टी पे रहेंगे, छुट्टी भी इम्पोर्टेंट है ना भाई मेरे, आदमी को रिलैक्स भी चाहिए ना, तो इसीलिए थोड़ा सा 2-4 दिन इधर उधर जाता है, तो तुम लोग हड़बड़ाने लगते हो कि सर रिजल्ट आपने बताया, ये बताया, वो बताया, ठीक है। तो कुछ भी जो है
अब थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है, हमेशा सारा कुछ जो अपने हिसाब से नहीं चलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका रिजल्ट जो है कब आएगा, मंडे से लेके थर्सडे के बीच में आएगा रिजल्ट की सारी तैयारी हो चुकी है। रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है इस बार सभी स्टूडेंट का, ठीक है, मिठाई उठाई तुम लोग तैयार रखो, रिजल्ट जारी किया जाएगा तो बांटना, ठीक है, मेरे को भी खिलाना, अपने दोस्तों को भी खिलाना और अपने मम्मी पापा फैमिली को भी बांटना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिठाई, लेकिन मिठाई का पैकेट तैयार रखो तुम लोग, रिजल्ट जो है मतलब तैयार है, रेडी एकदम, ठीक है, अब डिक्लेयर होने में बस देरी है, ठीक है। तो वो भी मैंने बता दिया, मंडे टू थर्सडे के बीच में आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, मंडे को जारी हो जाए या फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, या थर्सडे तक आपका रिजल्ट क्लियर है, ठीक है। ये वेबसाइट पे आ जाएगा, यहीं से डाउनलोड करोगे, मैं तुमको डाउनलोड करके बताएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आप अपना डिटेल जो है, टेंथ के स्टूडेंट क्या रखोगे, रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद अपना स्टडी सेंटर कोड, इनरोलमेंट नंबर रखो, ठीक है, DOB रखो, आपका रिजल्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा, स्टडी सेंटर कोड, एडमिट कार्ड संभाल के रखो, आपको रिजल्ट में डाउनलोड करके बताएगा, लाइव चेक करके बताएगा, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट का, भाई ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट का डम्मी एडमिट कार्ड, जैसे कि मेरे को आज मैं बोर्ड ऑफिस गया था तो सारा जानकारी लेके आऊँ, तो 2 से 4 दिन में डम्मी एडमिट कार्ड आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट क्या क्या कर दिया गया है, मिस्टेक्स कर दिया गया एडमिट कार्ड पे, तो भाई आप अपना जाकर के बी बोस ऑफिस में जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन डालो कि सर मेरा 5 सब्जेक्ट था, 4 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट था आपका, अगर सब्जेक्ट मिसिंग है उसमें से, तो तुरंत जाकर के बी बोस के ऑफिस में जाओ, आपको कहीं नहीं जाना, इधर उधर जाओगे तुम्हारा एकदम बर्बाद हो जाएगा साल, तुम्हारा सही नहीं होगा। ऑफिस में जाओ, एप्लीकेशन डालो, डमी एडमिट कार्ड 2 से 4 दिन में होगा आपका, जो है वो सब्जेक्ट सुधार करके कर दिया जाएगा, ठीक है। जितना लेट करोगे उतना तुम्हारा गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो अभी जिन्होंने भी यूज़र आई डी पासवर्ड जिनको भी मिल गया है, तो उनको जो है चेक करो अपना व्यू एडमिट कार्ड पर जाकर के चेक करो, वहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट वगैरह डिटेल्स रहेगा, कुछ भी गलती है तो एप्लीकेशन जाकर के मारो, डालो बी बोस के ऑफिस में, तुम्हारा सुधर जाएगा। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड, अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अरे भाई मेरे तुमने गलत डिटेल्स भरा है तो नहीं आएगा। अगर एक चीज और बता दे, अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है तुम्हारा, तो दूसरा ये करो, जाओ अपने जीमेल में जाओ, वहां से बीबोस को जाकर के मेल करो कि मैंने इस तारीख को अपना यूजर आईडी पासवर्ड के लिए वेरिफिकेशन किया था, अभी तक मेरा आया क्यों नहीं, भेजो जल्दी से, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा। इतना तुम करो जाकर के, ठीक है, नहीं आ रहा है तो, अगर तुमने कुछ और मिस्टेक किया होगा, कुछ गलती से भरा हो, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर कुछ और भरा और मेरा कुछ और है, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा क्या, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा वो, ठीक है। तो सावधानी से जो करना है वो कर लो, ठीक है। गलती इतना बड़ा बड़ा करोगे, तुम बोलोगे पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हो और बोलते हो कि काय वो नहीं आ रहा, यूज़र आई डी पासवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। एग्ज़ाम जो है जून जुलाई सेशन 2023 का और दिसंबर सेशन 2022 का, ट्वेल्थ का, दोनों का कंबाइंड अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, मिड से स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो बने रहो हमारे चैनल पे, तैयारी करते रहो। क्वेश्चन पेपर चाहिए 159-299 का मेंबरशिप ज्वाइन करो, गेस पेपर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सारा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारे डेली क्वेश्चन ले रहे हैं, लेना है ले लो, पास करना है तो ठीक है, नहीं तो मत लो, ठीक है, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करने वाला ये सारी चीज़ें। तो चलो वीडियो हो चुकी है, 8-10 मिनट की हो जाती है, जल्दी बोलना पड़ता है मेरे को। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप ये जल्दी बोलते रहते हैं, जल्दी नहीं बोले तो क्या 20 मिनट आधा घंटा लॉस हो जाएगा, तो तुम्ही लोगों का ज़्यादा देर हो जाएगा भाई, ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन का वीडियो लोग देखना नहीं पसंद करते, मेरे को भी थोड़ा सा सोच के वीडियो बनाना पड़ता है, कम ड्यूरेशन करना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, और फॉर्म देखो भाई मेरे, फॉर्म जून जुलाई सेशन 2023 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, चलो थोड़ा सा मैं रुक जाओ, जो जून जुलाई सेशन 2023 के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे देखो अपना लॉगिन करो, उसके बाद तुम्हारा इस तरह का कुछ यहाँ पे खुलेगा इंटरफेस, समझा। तुम अगर पेमेंट किया है तो सही है, तुम्हारा एग्जाम फॉर्म भराएगा, नहीं किया है तो नहीं भराएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा एग्जाम फॉर्म का सेक्शन, तो इस पर क्लिक करेगा, अभी तुम्हारा एग्जाम फॉर्म जैसे जून जुलाई सेशन 2023 का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन में एक्टिव हो जाएगा, तो तुम अपना भरना, मैं बताऊंगा, ठीक है, तो अपना वेट करो, अभी नहीं भरा रहा है, मेरे को मैसेज मत करना भाई तू लोग, ये है मैंने बता दिया, जब भी भराएगा तो मैं खुद अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना, वो ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं खुद एक्टिव रहता हूँ, चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। मैंने सारा कुछ मतलब इस वीडियोज में लपेट लिया, कवर कर लिया, सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक ही वीडियोज में सारे काम खत्म कर दिया मैंने, तो सभी स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे कर दिया, और एडमिशन दिसंबर
2023 का हो रहा है, करवा लो 15 तारीख तक मौका है। ठीक है, मैंने ये बता दिया। जून वाले सेशन का जो है आधार वेरिफिकेशन बंद हो गया, दिसंबर वाले का जो है 2022 का अभी तक चल रहा है, 10 तारीख तक होएगा। जिन्होंने नहीं करवाया करवा लो, नहीं तो तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। चलिए गाइस, मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के हो, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो मंडे टू थर्सडे के बीच में रिजल्ट आएगा। मिठाई तैयार रखना, मैं डाउनलोड करके बताएगा। वेबसाइट हमारा यही है, देख लो जो चल रहा है स्क्रीन पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम सब समझ जाओगे, जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके सोल्यूशन हो जाएंगे। ध्यान से है 10 मिनट की वीडियो देखो, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही है, अपने एग्जाम की जो तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है, सबको मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियोज़ में। एक एक करके पार्ट देखो, सब समझ में आ जाएगा, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। मैं सारा इस वीडियोज़ में कवर करता हूँ एक ही वीडियोज़ में, बहुत इसलिए लंबी होती है 10-12 मिनट की वीडियोज़। देखोगे तो सब कुछ सही से ही होगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आएगा, तुम्हारा एग्ज़ाम भी होगा, सब निपट जाएगा, एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, तो अरवी फिर भी तुमको कुछ समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया, जाकर के थोड़ा बहुत मैसेज कर सकते हो, नहीं तो कमेंट्स करो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, मैं रिप्लाई करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूँगा। वीडियो को पूरा देखो, सारा मैं इस वीडियोज में लपेट लेता हूँ, जितना भी इन्फॉर्मेशन देना रहता है सब कवर करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियोस पसंद आई होगी और जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर, हमारे चैनल पे बन रहे इस तरह की वीडियोस के लिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।